ग्वालियर वन मंडल के द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रमों में कई तरह की कमियां पाई गई हैं। इन कार्यक्रमों में ग्वालियर CCF और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के DFO ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन किया है। वहीं अनुभूति कार्यक्रमों के लिए जो एक दिन का बजट तो तय हुआ है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। साथ ही किसी आदेश के तहत ग्वालियर जिले के अनुभूति कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं में पर्यावरण संरक्षण के संदेश देने के लिए अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील बनाना है। ग्वालियर वन मंडल द्वारा भी कनेर झील, चंबल अभ्यारण देवरी, वन मंडल मुरैना पर अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गईं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन अनुभूति कार्यक्रमों में ग्वालियर और चंबल संभाग के किसी भी प्रतिनिधि, मंत्रीगण, MLA या फिर ब्लॉक अध्यक्ष तक को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि इनके पत्रों में साफ साफ लिखा है कि अनुभूति कार्यक्रमों में लोकल के विधायक और मंत्रियों को बुलाया जाना अनिवार्य है। वहीं आपको बता दें कि अनुभूति कार्यक्रमों के लिए एक दिन का बजट 85,500 रुपए है। जब सभी कैंपों में बच्चों की संख्या भी पूरी नहीं थी तो ये बजट कहाँ गया? देखा जाए तो विद्यालय प्रशासन ने भी शिक्षा मंत्री के आदेशों की अवहेलना की, क्योंकि स्कूलों में सुबह 10 बजे से पहले छात्रों को बुलाने की अनुमति नहीं है। फिर भी विद्यालय के प्राचार्य द्वारा बच्चों को सुबह 7:30 बजे विद्यालय बुलवाया गया। जब इस बारे में अनुभूति कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन से पूछा गया तो स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य ने सफाई में क्या कहा, सुनिए। गाड़ी की पूरी की पूरे इन्वेस्टमेंट हम स्कूल की तरफ से हो रहा है। डीजल वगैरह? डीजल है, डीजल पूरा हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से। जी जी सर, है ना जी। जबकि रूल्स क्या है मालूम आपको? मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें ये बताया गया है गाड़ी की जो है सुविधा है आप स्कूल की तरफ से कराया जाएगा, नाश्ता और खाना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। टीवी सर हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी हमको इंट्रक्शन दिए थे कि डिसिप्लिन में रहना है, अच्छे रहना है। इंग्लिश मीडियम? यस सर, इंग्लिश मीडियम। शर्मा जी थे ना, उन्होंने फिर कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दिए स्कूल्स में, क्या बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, और कुछ एक्सप्लेन भी किया उन्होंने हमारे बारे में भी। तो पहले तो ये बताया, फिर लाइन बाई लाइन एक टीम बनाई कि कौन किस बस में, ऐसे मतलब उनको डिस्क्रिप्शन बताया हमको कि कैसे क्या करना है। तो बस में बिठाया, फिर 5-10 मिनट के बाद हम निकले सबलगढ़ से, आराम आराम से उधर से होके हुए गुजरे, किसी को दिक्कत नहीं आए, आराम आराम। कितने? 9:30-9:30 तक आ गए? 11:30-11:30 11 बजे तक यहाँ पे अप्रोक्स आ गए। मेरा नाम राघव सिंगल है, मैं कक्षा 8 का छात्र। कितने बजे तक आए यहाँ पर सर? अप्रोक्स हम 11 या 10 बजे तक पहुँच चुके थे स्कूल में। सर उन्होंने 7:30 पे बुलाया था, इस चक्कर में वहाँ से हम 8 या 8:30 पे रवाना हो गए थे। आज ये किडीज होम स्कूल है सबलगढ़ में, इसमें अशासकीय विद्यालय के बच्चों का जो अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के द्वारा जो एक लक्ष्य रखा गया था हम लोगों को, तो उसके तहत हमने किडीज होम स्कूल के 120 विद्यार्थियों को यहाँ पे बुलाया है। 114 विद्यार्थी हैं टोटल, सारे टीचर्स मिला के 120 कुछ बच्चों को, अब सभी को बुलाया है हम लोगों ने। उसके तहत हम ये जो एक पूरे एक डे लॉन्ग प्रोग्राम होता है एक दिन का, उसके तहत हम ये अनुभूति का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी अधीक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। कितने बच्चे आए हुए समथिंग यहाँ पे? 126 हाँ। कौन से स्कूल गए ये? तो मतलब सवलगढ़। तो सर ये सवलगढ़ से बच्चे बुला, प्राइवेट अपने जबकि आसपास के बच्चे बुला सकते थे? नहीं, वो असल में क्या है कि पहले मतलब पूरे शासकीय स्कूलों के बुलाते थे, लेकिन इस बार मतलब वरिष्ठ कार्यालय से ये निर्देश हुए है कि प्रत्येक रेंज में 2 शासकीय स्कूल और डिवीजन लेवल पे मतलब 2 प्राइवेट स्कूल और एक महाविद्यालय, यानी 3 स्कूल और महाविद्यालय मिलकर के प्लस में हो गए। वहीं आपको बता दें कि अनुभूति कार्यक्रम की ट्रेनिंग के लिए 60 वर्ष से ऊपर के मास्टर ट्रेनर को शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर के मास्टर ट्रेनर को शामिल किया गया। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। शुगर सिंह परमार। कहाँ नौकरी करते हैं? सबलगढ़ में करते हैं सर। सबलगढ़ में? सबलगढ़ में। तो कौन से स्कूल में या फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट में। तो ये आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये अनुभूति प्रोग्राम हो रहा है। काम मुरैना में?
मेरा नाम है देवरी और वांग का देवरी घड़ियाल इंकू सेंटर है। तो आपने आज कितने बच्चे आए टोटल? बच्चे आए हैं कम से कम 25-26 बच्चे, 114 हाँ 114 बच्चे। वहाँ कितने बजे निकले आप? वहाँ से निकले हम 7:30 बजे। यहाँ कितने बजे आ गए? जहाँ आ गए हम ऐसे 9:15 बजे। अच्छा, तो खाने नाश्ते बच्चों को? हाँ बच्चों को खाने में बढ़िया अपने पोहे और अपने हलवा बढ़िया खो अगवा बढ़िया बहुत फर्स्ट क्लास खाना खिलाया। आपको मिला? हाँ सबको मिला, पूरा स्टाफ को मिला। सविता कहाँ जॉब करते हैं आप? सबलगढ़ वन विभाग में, वन विभाग स्थायी कर्मी के पद पर। अच्छा, तो यहाँ कितने बजे आएगा? वही 7:30 चले, वहाँ 9:30 करीब बना ले। नाश्ता हो गया बच्चों का, सबका हो गया। यहाँ 9 बजे तक आ गए जी। तो यहाँ सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं? अच्छी है, मतलब बच्चों से खाया जा रहा है? बच्चों का भ्रमण हो रहा है, सिखाया भ्रमण होगा भी। तो आपकी नौकरी ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। तो और कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, आने नहीं चाहिए, पर अच्छा कार्यक्रम है तो अच्छा ही होना चाहिए। तो अच्छा, आप एक चीज बताएं। चलो जाकिर हुसैन, सुजागृति समाज सेवी संस्था मुरैना से हूँ और करीब 4-5 साल से मास्टर ट्रेनर हूँ अनुभूति का। और यहाँ पे मेरा गूगल और पर्यावरण को लेके 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर ये बताएं आप कि कहाँ से बच्चे हैं? ये सबर के बच्चे हैं, सबर रेंज से आज अनुभूति कैंप यहाँ आया हुआ है जी, जी, जी। और आज वन विभाग की ओर से बच्चों को अनुभूति एक सच ज्ञान के रूप में यहाँ कुछ हम लोग बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। सर समथिंग कितने बच्चे हैं? 114 बच्चे हैं। और सर ये बच्चे जो आए हैं कितने बजे वहाँ से आए अपने? ये सुबह वहाँ से 7:30 बजे, यहाँ 9 बजे तक आ गए। यहाँ 9:30 बजे तक आए। बच्चों को सर नाश्ते में जो बच्चे भाई अच्छे होते हैं क्या क्या दिया खाने में? बच्चों को नाश्ते में पोहे दिए और रवा का हलवा दिया है और पर्याप्त नाश्ता उन्हें प्रदान किया गया है। साथ ही वन विभाग यूको टूरिज्म की तरफ से उन्हें एक किताब, एक टोपी अनुभूति की और बैज और एक मास्क उनको अवेलेबल कराया है, जिससे अनुभूति की पहचान हो कि बच्चे आज अनुभूति करने के लिए आए हुए हैं। बच्चे तो मॉर्निंग टाइम बच्चों को दिया हुआ था 7:30, तो बच्चे मतलब लगभग पहुंचना शुरू हो गए थे 7:30 आ गए थे। 8:30 हम वहाँ से निकले हैं। यहाँ कितने बजे आ गए थे? यहाँ हम 11। तो मैडम आपको तो मालूम है कि सवलगढ़ के अगर किलोमीटर देखा जाए तो सर थोड़ी बीच में रुके भी हम लोग, क्योंकि बच्चों को जैसे टॉयलेट वगैरह, तो बीच में हमने बच्चों को ऐसे पेट्रोल पंप में बीच रोका एक जगह पर, वॉशरूम जाना था, पानी वानी पीना था, आराम आराम से। हाँ फिर गाड़ी को देखते चले कि 5 गाड़ी में आए हम लोग, तो बसेस को देखते चले कि सब लोग हमारे एक ही सीरियल में चले हैं, कोई आई पीछे ना रह जाए, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि कुछ बच्चों को वॉमिट भी होती है, तो बड़े आराम से हम लोगों ने सफ़र किया।